हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एडवांस। इस स्लाइड में मैंने एमपी के स्टैटिक जीके कवर करा है। ये आप एमपी का मैप देख रहे हैं, इसमें जितने भी जो इम्पोर्टेंट एमपी के जो प्लेसेस हैं वो सारी डिटेल्स में इसमें दी हुई है, जैसे कि है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये रिलीजियस प्लेसेस हुए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हुए। 100% तो कवर नहीं है, मगर फिर भी इन्हें 90% तक इस मैप में काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर की हैं। और दूसरे वीडियोस में डैम्स हैं, जैसे कि बनसागर डैम जो कि सोन रिवर पे बेस है, गांधी सागर डैम ये आपका चंबल रिवर पे है, इंदिरा सागर डैम नर्मदा रिवर पे है, ओमकेश्वर डैम नर्मदा रिवर पे है, तावा डैम तावा रिवर पे है, बरगी डैम नर्मदा रिवर पे है, बरना डैम बरना रिवर पे है। नेशनल पार्क है, ये एक एक पढ़ के तो मैं आपको, आप खुद भी पढ़ सकते हैं इसे, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पिनिच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, मंडला प्लांट, फौसल नेशनल पार्क, पिंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं। ये मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काफ़ी बड़ा स्टेट है ये, और ये इसमें कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश और इसमें कितने नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट 51 है। स्टेट दो डे है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, जो करंट गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। लेक्स इसमें कवर की हैं, ज़्यादातर लेक सारी भोपाल में ही हैं एमपी के अंदर। हाँ, एक लेक है जो होशंगाबाद में तावा, इसको रिजर्वर है। ये सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, ये पीपीटी जो भी है ये आप इसको डाउनलोड कर लेना। ये मैं अपने जी ड्राइव में इसको अपलोड कर देता हूँ। फेस्टिवल्स इन मध्य प्रदेश, जो कि एमपी में जो फेस्टिवल्स हैं उसके जो रिमार्क्स दे रखे हैं यहाँ पे, और जो फेस्टिवल नेम्स हैं आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए, उसके रिमार्क्स से आपको ये ज़्यादा भूलेंगे नहीं आप इसे। फेमस टेंपल्स, ये जो टेंपल्स हैं जितने भी, सही बताऊँ तो मैं एमपी में बहुत सारे टेंपल्स हैं, एक सिंपल सिटी में ग्वालियर बता रहा हूँ, बहुत सारे हिस्टोरिकल टेंपल्स ग्वालियर के अंदर हैं, इंदौर के अंदर है, भोपाल के अंदर हैं, कितने टेंपल याद करोगे आप। ये सोचना कि अगर एमपी के अंदर कोई भी टेंपल अगर रिसेंटली न्यूज़ में है, कोई भी फेमस टेंपल, तो वो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं, नहीं तो टेंपल तो कवर करना बहुत मुश्किल है इसमें। पावर प्लांट की चारों पावर प्लांट ऑपरेशनल है, और ये मैप में भी इनको शो किया गया है कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। और बाकी इसमें वो पावर प्लांट अभी मैंने कवर नहीं करे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या आगे जाके फ्यूचर में कभी बनेंगे, पर ये अभी फ़िलहाल चारों के चारों पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं। फिर ये डांस हैं, जो फोक डांस हैं, इसमें ये इनके रिमार्क्स दिए हुए हैं कि जैसे ये दो मेजर ट्रेडिशनल डांस ऑफ भारत ट्राइब, ये आहारी डांस जो है, ऐसे करके सारे डांस हैं। अब जो रिमार्क्स से आप इसको भूलेंगे नहीं, आप इसको ढंग से इसको पढ़ लेना। ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, ये ट्राइब्स तो आपके बैंक एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछने वाले, और ना ही ये CGPDM जो जैसे भी एग्ज़ाम्स में, खैर नहीं पूछते हैं, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में या फिर कई बड़े एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे व्यापम में पूछ सकते हैं, तो आप देख लेना इसको, पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हाँ, ये ट्राइब्स अगर कोई किसी न्यूज़ में आए हैं, कोई इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो ये जरूर पूछेंगे वो ट्राइब्स, अगर ये न्यूज़ में करंट में है। एयरपोर्ट्स, ये चारों एयरपोर्ट्स हैं। देखिए क्या होता क्या है कि ये जो स्टैटिक पोर्शन है, ज़्यादातर करंट्स में जितने भी जो कॉन्ट्रोवर्सल होते हैं, अगर थोड़ी बहुत न्यूज़ भी अगर उनके ऊपर होती है तो वो स्टैटिक वो पूछ लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन 80% स्टैटिक पोर्शन आपका करंट से रिलेटेड रहता है, कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी से लिंक है। स्टेडियम, ये स्टेडियम है, चारों स्टेडियम इसमें कवर किए हैं। सो गाइस, आप इस स्लाइड को डाउनलोड कर लीजिए गूगल ड्राइव में, जो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है, और उसके बाद फिर आप इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस, गुड नाइट।